गिरोह एक फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बेशक हर कोई अपने लिए स्नैक्स लेकर आया है। हालांकि हेली के पास रेचल से काफी ज्यादा है। अरे ये सही नहीं है, मुझे भी उतने चिप्स चाहिए। रुक जाओ, तुम दोनों में से किसी ने भी अब तक फ्रेड के बड़े कटोरे को नहीं देखा है। ओह क्या रहा, अरे किसी हाल में वो इतने सारे नहीं खा पाएगा, मेरे तो अभी से ही खत्म हो गए हैं। स्पष्ट रूप से फ्रेड समय से पहले ही सोच रहा था उस कटोरे के अंदर कितने पैकेट तुमने डाले हैं यार, जितने भी तुम्हें मिले। फ्रेड मेरे दोस्त, क्या तुम्हें थोड़े चिप्स मुझे नहीं देना है? हाँ और मुझे भी, माफ करना लड़कियों, लेकिन नहीं, यह केवल मेरे लिए ही पर्याप्त है। अरे फ्रेड तुम कुछ तो दे ही सकते हो, तुम्हारे पास 5 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखना फ्रेड, लड़कियों का मन बन गया है और वो तुम्हारे चिप्स को अपना चिप्स बनाने के लिए दृढ़ है। अरे क्या कर रही हो, यह मेरा है, छोड़ो, यह मेरे है, ध्यान रखना वरना गिर जाएंगे। देखा मैंने कहा था ना। खैर खैर, अगर तुम देने का मान जाते तो तुम्हारे पास भी कुछ होता, और अब देखो क्या हुआ। सच में दुख की बात है, उफ, वो मेरे पसंदीदा थे तुम दोनों। तो पहले दौड़ का समय, हमारी तिकड़ी बहुत सारा खाना खाने के लिए तैयार है, खास करके फ्रेड जिसकी स्नैक को अभी चोरी हुई थी। फ्रेड चिंता मत करो, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, इतने कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या खाना है। पहले देखते हैं कि किसे कितना मिला है, तो चलो हमें दिखाओ। अरे यार फिर से मुझे सबसे कम मिला। हाँ हाँ लड़कियों, मेरे साथ न्याय हुआ है और निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है, और मुझे भी पहले जितना मिला है। तो क्या हमें देखना चाहिए कि उसके नीचे तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह नो, 3 प्लेट ब्रोकली, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना फ्रेड? ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो यार, क्या तुम्हें ताजा सब्जियां नहीं पसंद है? इससे तुम्हें समझाया जा रहा है कि बड़ा मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता, यह ध्यान में रखना। दोस्तों रेचल चलो सबको दिखाओ कैसे किया जाता है। यह सच में उतना बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, उसे बहुत अच्छा है। हरी चीजें खाना बुरा नहीं होता, और जब ऐसी छोटी मात्रा में खाना हो। ओह तो लगता है मेरी बारी है। ओह यह बढ़िया है। वाह हेली, आज तो तुम पक्की शाकाहारी दिख रही हो, अपने खरगोश खाना का आनंद ले रही हो। उन चिप्स के बाद थोड़ा बदलाव है ना, शाकाहारी होने की सोच रही हो क्या? ठीक है फ्रेड, लड़कियों को तुम्हें हराने मत देना, उस पेड़ को खा जाओ। नहीं छी, मैं ये नहीं खा सकता। यह क्या है? यह है तुम्हारी सजा फ्रेड। यह उनके लिए होता है जो उनके सामने दिए गए व्यंजन को खत्म नहीं करते और चुनौती को खत्म नहीं करते हैं। सिर पर मारा जाएगा। अरे यार तैयार हो जाओ यार, रेचल और मैं जिम्मेदारी को हल्के तरीके से नहीं लेते हैं। 1, 2, 3 और यह रहा। कोई बात नहीं फ्रेंड, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। सीधा काम पर आते हैं, कौन क्या खाएगा और कितना, किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्यार और चुनौती में कुछ भी जायज है। मुझे आशा है कि इस बार मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा कहना है कि यह जरूर हो सकता है या नहीं, सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है। उन ढक्कनों को उठाने का समय आ गया है दोस्तों। सच में? सच में फ्रेंच फ्राइज? तो अब तुम्हें क्या कहना है फ्रेड, मुंह में पानी आ गया? ओह हाँ, इस तरह के खाने से तो मेरा मन खुश हो जाता है। आखिरकार सच में एक फ्राइज, यह तो कुछ नहीं मिलने से भी बुरा है। और दूसरी तरफ रेचल और फ्रेड को तो एक पूरी दावत परोसी गई है, बस अपने माता पिता को इस बारे में जानने तक नहीं देना, नहीं तो वो एक सप्ताह तक खाने नहीं देंगे। चलो खाओ, ठंडा होने मत देना। वाह फ्रेड, तुम्हें विश्वास है कि तुम यह कर लोगे? हाँ बेशक तुम कर सकते हो, और आनंद लो जितनी देर ले सकते हो, किसे पता आगे क्या होगा। अरे तुम क्या कर रही हो, हाथ दूर रखो, तुमने अपना खा लिया और अब चुपचाप बैठकर मुझे अपना खाते हुए देखो। स्वादिष्ट, मैं तो इसका दुगना भी खा लेता, क्या कहना है दोस्तों? तैयार हो या नहीं, तीसरे दौर का समय आ गया है। हर कोई उतना ही घबरा रहा है जैसे पहले दौर में थे, किसी को भी पता नहीं होता है कि किसे क्या खाना है और कितना, और इसी वजह से चुनौती दिलचस्प होती है। यह
ऐसी भी चीज हो सकती है जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी ना छूते, लेकिन चुनौती में करना ही होगा। इससे कोई नहीं बच सकता। या तो तुम खाओ या सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और कौन चाहता है कि सिर पर चोट लगे या उससे भी कुछ बुरा हो। चलिए देखते हैं सबसे नया व्यंजन, वह क्या है। सीवीड लग तो ऐसा ही लग रहा है। ची, यह तो बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या वह खाया भी जा सकता है? और यह बदबू। ब्रेड, तुम्हें शुरू करना होगा। तुम्हें बाकी दोनों के लिए ऐसे नए व्यंजन खाने का उदाहरण पेश करना होगा। देखा, उतना बुरा नहीं था। तो रेचल, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओ, किसी को तो दंड मिलने वाला है। इस बार में डब्बे को क्या कहना है? क्या सिर पर एक अंडा? यह सही कैसे है? हैली, और तुम खाओ। मैडम हैली, क्या हुआ? उठो। रेचल को पता है क्या करना है, और वह हैली बहुत दिनों से दोस्त है, और उसे पता है कि हैली अपने व्यंजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब चलो एक कागज के टुकड़े को निकालो। मुझे भी सिर पर अंडा मिलेगा? अरे यार। क्या किसी ने मुझे बुलाया? मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने के लिए आया हूँ। और यह रहा एक, और यह दो। अब यह वास्तव में मजेदार हो रहा है। अब इन्हें थोड़ा मिला देता हूँ। कार्ड बांटना तो अच्छा होता है। संभावना हो सकती है कि सबसे अच्छा तुम्हें मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेड ने अच्छे से मिलाया है, और उसे भी नहीं पता कि किसे क्या मिला, और यह भी नहीं पता है कि क्या परोसा जाएगा, और इसलिए यह भी नहीं कि क्या मिलना बेहतर होगा, बड़ा या छोटा प्लेट। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। चलो देखो दोस्तों। वाह, एक बहुत चीज वाला कुरकुरा व्यंजन। वाह, यह शानदार है। इन तीनों में से एक तो बहुत खुश है, जो है हैली। उसके सामने उस पहाड़ को तो देखो, लाजवाब। बेचारा फ्रेड, उसे लगा था कि उसे बेहतर विकल्प मिला था, पर अब देखो क्या हुआ। यह अक्सर अच्छे लोगों के साथ होता है। यार, अपने छोटे प्लेट का आनंद लो। आखिरकार वह कुछ जो मुझे खाना है। रेचल, चलो देखते हैं सबसे जल्दी कौन खा सकता है। उन लड़कियों को खाते हुए तो देखो, वे सब कहाँ डाल रहे हैं। आखिर वह कैसे खा पा रही है? क्या तुम लोगों को सच में इतनी भूख लगी है? अब तो तुम चबा भी नहीं रही हो। देखो, फंसा मत लेना। अब जल्दी खत्म कर लो। जले पर नमक मत छिड़को। आज चिप्स और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कोई तौलिया नहीं हूँ, या कुछ ज्यादा हो गया दोस्तों? बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा। मुझे बड़ी प्लेट चाहिए। मुझे अच्छी अनुभूति हुई, और अब मैं दूसरों को अच्छी चीजें और नहीं देख सकता। माफ करना भले आदमी, पर इस बार सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेरा होगा। मध्यम ठीक है, कम से कम मेरे पास छोटा नहीं है। यह कुछ तो है। हाँ, तो चलो देखते हैं यह किस तरह का भोजन है। हाँ, बिल्कुल वैसा जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं। गैंग के लिए क्लासिक इटालियन डिश उपहार के रूप में मिला है। तुम सभी एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन की उम्मीद कर रहे थे, तो फिर यह है। पिज्जा से बेहतर कुछ नहीं। सभी खाने वाले को अपना एक स्टाइल होता है, और इस थोड़े थोड़े करके खाना सबसे बुरा है ना रेचल? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे। इससे भी बुरा हो सकता था दोस्त। फ्रेड, इतनी जल्दी क्या है? कोई भी तुम्हारे टुकड़े को तुमसे छीन नहीं लेगा। या फिर यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, और तुम रुक नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझसे और कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। हैली इधर उधर कोई गड़बड़ी नहीं फैलाना चाहती, और नैपकिन ठीक ढंग से लगाती है, और उतने बड़े से टुकड़े को बड़े प्यार से हाथ में संभालती है। तुम्हें हमारी शुभकामनाएं। उस बड़े से पिज्जा के टुकड़े को उतनी छोटी सी लड़की आखिर कैसे खत्म कर पाएगी? खुशी के साथ, और कैसे। सही कह रही हूँ ना हैली? रेचल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उफ रेचल, यह नहीं करना चाहिए था। नियम कहता है अपने हाथ को नियंत्रण में रखो, और उस विशेष नियम को तोड़ने के लिए मुझे डर है कि तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। करो करो। क्या नहीं? एक चम्मच भरकर वसाबी? मैं तीखा भोजन नहीं खा सकती हूँ।
अगर तुम कर भी लेती तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के काम को करने की हिम्मत करेगा। पर अच्छी बात यह होगी कि इसके बाद तुम किसी चीज को खाने से डरोगी नहीं, खराब से खराब चीज से भी नहीं। यह तीखा है, बहुत तीखा। इतने सारे अलग अलग खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम के लिए अच्छा समय होगा। बेशक किसी समुद्र तट पर थोड़ा टहल लेना या थोड़ा घूमकर अपनी कैलोरी को कम करना अच्छा होता, पर खेल अभी जारी है और हम सब इसमें शामिल हैं। Yes. प्रत्येक व्यक्ति किस कार्ड पर क्या प्रतिज्ञा करेगा, इस बिंदु पर एक रहस्य है। इससे पहले कि वे जाने कि उन्हें क्या खाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। लगता है कि तुम सबकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह ट्रीट इतना ज्यादा है कि तुम सभी आराम से बैठकर अपने दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हो बिना किसी अन्य चीज की चिंता किए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लेट में कितने हैं। हम सभी यहाँ दोस्त हैं और नियम साझा करने के बारे में कुछ नहीं कहता है। और दोस्त किस लिए होते हैं, क्या कहती हो लड़कियों? मुझे लगता है कि आप अपने सभी संसाधनों को जमा कर लेते हैं तो फ्रेड बहुत आभारी और खुश होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? वाह, क्या सचमुच? क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल नहीं, वो सभी तुम सभी के लिए है। और इसी बात पर यहाँ कुछ दूध है। और सजदों, लड़के और लड़कियों, हम आपके लिए लाए हैं तरबूज, बड़े, मध्यम और छोटे आकार के। तुम अपना चुन लो। बेशक यह तब भी स्वादिष्ट होगा चाहे हमारे प्रतियोगी को जो भी हिस्सा मिले। अब कार्ड्स को मिला लो। आओ बड़े तरबूज, यह तो मेरे सिर से भी बड़ा है। तो हेली, तुम्हारा छोटा तरबूज कैसा है? यह मत कहो कि वो अच्छा नहीं है, तुम बस दूसरे लोग से जल रही हो। वाह रेचल, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम एक फ्रूट निंजा हो? तुम्हारे कौशल की दाद देनी होगी। यस, यह इतना रसदार और स्वादिष्ट है। आराम से लड़की, नहीं तो तुम पूरा खा लोगी, वो भी छिलके के साथ। फ्रेड, क्या तुम भी ऐसा ही करने जा रहे हो? तरबूज सबसे बड़ा फल है और सबसे अच्छा भी। अरे हाँ, मेरा पेट पूरा भर गया। हमारे तिकड़ी के लिए फिनिश लाइन दृष्टि में है और आज के लिए बस ये आखिरी दौर बाकी है। और यह वादा करते हैं कि यह कुछ खास होगा। हम एक चुनौती को एक धमाका के बिना कैसे खत्म कर सकते हैं? ग्रैंड फिनाले के लिए टेबल पर क्या है? मिर्ची, इसे कहते हैं हॉट टेक। एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए तुम सब तैयार हो? तो फिर शुरू करो। अब समय है लड़कों से पुरुषों को अलग करने का। यह इतना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। बहुत मजा आया फ्रेड। लड़कियों, मुझे उम्मीद है कि उसने तुम दोनों को डराया नहीं। हेली, तुम ठीक हो? पानी, पानी, अरे हम लोग पानी पी सकते थे, मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। यह आखिरी दौर है, यहाँ कुछ भी चलता यार। रेचल, मुझे तुमसे सहानुभूति है, लेकिन तुम यह कर सकती हो। यह मीठा है। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। किसने सोचा होगा कि मिर्च भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है? हेली को बहुत गर्मी लग रही है और वह कुछ ताजा ठंडी हवा के लिए मरी जा रही है। वो पसीने से तर बतर है और उम्मीद है कि खिड़की को खोलने से उसे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या वो हवा महसूस हो रही है? ओह, अब थोड़ा बेहतर है।
लेकिन रेचल को तो कुछ अलग ही चाहिए। वह ऐसी लड़की है जिसे थोड़ी सी भी हवा बर्दाश्त नहीं होती, उसे हमेशा ठंडी लगती है और वह खिड़की को खुला रहने नहीं दे सकती है। उसके ठिठुरने को बंद करने का एक ही तरीका है, खिड़की को बंद करना। उसे तो इतनी ठंड लग रही है कि कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। अब अंदर बहुत अच्छा और आरामदायक है, लेकिन हेली को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि रेचल उसके पसीने को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेचल हार नहीं मान रही है और वह हेली को खिड़की की तरफ एक कदम नहीं लेने देगी। अरे लड़कियों, अभी लड़ना बंद करो। क्या यह तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा तापमान बढ़िया है? एक चुनौती से यह फैसला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी एक प्रतियोगिता का आरंभ होता है। आज होगा गर्म, ठंडा या कुछ भी नहीं। यह होगा वह खाना जो आज सभी खाएंगे। हर कोई तैयार है? आशा है, क्योंकि हम आइसक्रीम के साथ शुरू करते हैं। भाग्यशाली निकली, एकदम शुरुआत से ही मुझे सबसे अच्छा व्यंजन परोसा गया है। इतना स्वादिष्ट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बहुत गर्म है, इससे मेरी उंगलियां ही जल गईं। फ्रेड, मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे खा सकती हूं? क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम के बारे में सुना है जो कि इस इतना उबलने जैसा गर्म हो? मैं इसे क्रीमी गर्म कोको की तरह पीऊं। बहुत बढ़िया। इस बार किसे क्या मिला है, हम पता लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और ये देखिए, हेली को कुछ नहीं, तुम आराम कर सकती हो। फ्रेड को ठंडा। तुम इतना क्यों डर रहे हो दोस्त? रेचल को गर्म। यह अच्छा हो सकता है या बुरा, कौन जानता है। तीन की गिनती पर ढक्कन हटाते हैं। 3, 2, 1। हाँ, यह हुई ना बात। मैं तो बिना मतलब का चिंता कर रहा था। फ्रूट लूप्स मेरे पसंदीदा सीरियल्स हैं, खासकर ठंडे दूध के साथ बहुत बढ़िया। मुझे यह नहीं पता कि इतना गर्म सीरियल कैसा होगा। यह अच्छा नहीं हो सकता है। अरे, यह तो दूध नहीं है। खैर, अगर यह है तो यह एकदम जमा हुआ है। मैं तो इसमें से चम्मच तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैं इसे खाऊंगा कैसे? यह पता लगाना कि यह क्या है में मदद करना मुझ पर हंसने से ज्यादा मददगार होगा। ठीक है, मैं यह कर लूँगा। अब तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? स्वादिष्ट। चलो रेचल, अब तुम्हारी बारी है। मैं सच में ये नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तो निश्चित नहीं हूँ कि वो फूंकने से इसमें कुछ मदद मिलेगी। मुझे अपना मुंह नहीं जलाना है। अरे, यह बुरा नहीं है, मुझे वास्तव में यह पसंद आया। हेली, इस बार वास्तव में तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। और बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं। अब हर कोई जानता है कि कुछ नहीं वाला कार्ड मिलना हर दौर में अच्छा नहीं होता है, और इस बार रेचल को यही मिला है और वह बैठी रहेगी। फ्रेड को गर्म मिला है और इसका मतलब है ठंडा हेली के लिए। हो सकता है कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पर मैं अभी भी चुनौती में हूँ। रेचल, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गई हो, जो है खाना, आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज। इतने नखरे मत करो, यह देखो, यह है असली जादू। तो हमारे पास क्या है? हाँ, दिलचस्प चिकन। केवल यह निश्चित नहीं है कि कैसे खाएं जब यह जमा हुआ हो। हेली, पुराने कॉलेज के दिनों की तरह खाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन नहीं। अब फ्रेड ग्रिल से निकला हुआ ताजा टुकड़ा का आनंद लेगा। ओह, बहुत ही ताजा। क्या यार, यह हाथों से खाने वाला खाना नहीं है, इसलिए हमारा दोस्त सही उपकरण लाया है इस काम के लिए। आनंद लो। यस।
को और दिलचस्प बनाते हैं। हैली को क्या मिला है? ठंडा फिर से? पिछली बार तो ये अच्छा नहीं था। फ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं मिला है और रेचल को मिला है गर्म। यह पता करने के लिए कि अच्छा है या नहीं केवल एक ही तरीका है। अरे किटकैट्स, और किसको लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा दौर है? लगता है कि हैली सहमत है। रैचल, हम कितने भागशाली हैं ना? माफ करना, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते हैं फ्रेड, लेकिन पिछले दौर में मुझे जमा हुआ चिकन का टुकड़ा मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा। किटकैट सच में मेरा सबसे पसंदीदा कैंडी बार है। इतना अद्भुत होता है, स्वादिष्ट और गर्म करके तो ये और भी स्वादिष्ट है। मैं तो साथ में आसमान पर हूँ। मेरे पास आओ मेरी जमी हुई कैंडी। यह वैसी नहीं जा रहा है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अरे यार, यह तो एकदम जमा हुआ है और मैं इस तरह तो कुछ नहीं खा पाऊंगी। घबराओ मत हैली, फ्रेड यहाँ है और वह ऐसे ही बैठकर तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखेगा। उसके पास एक योजना है, काश वह हमें भी बताता। चलो देखते हैं। ओ, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। जमे हुए किटकैट को मिल्कशेक में बदलना तो बहुत ही बुद्धिमानी का काम है, और सच कहूँ तो अगर वह ब्लेंडर नहीं होता तो किसी हाल में हैली वह नहीं खा पाती। और देखो, फ्रेड के साथ भी बांटकर पी रही है। गिरोह को यह चुनौती पसंद आया, बहुत अप्रत्याशित है। हर दौर में सरप्राइज भरे रहते हैं। रेचल को मिला है ठंडा, फ्रेड को फिर से खाली प्लेट, माफ करना यार, और हैली के लिए कुछ गर्म इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या? वाह न्यूटेला, चीजें तो बेहतर होती जा रही हैं। एक सेकंड रुको, फ्रेड तुम्हें कुछ नहीं मिला है, अब न्यूटेला वापस करो। अब ठीक है। आ यार, यह गर्म है, मुझे इसे सावधानी से खाना होगा। ओह नहीं, चलो यह बस गर्म चॉकलेट है और इसमें कुछ गलत नहीं है, और यहाँ मुझे छोटे बाइट लेने होंगे और फिर सब ठीक होगा। मेरे पास शून्य इच्छा शक्ति है और खाना होगा। आह मेरा मुंह, तब भी यह बहुत अच्छा था। चीजों को थोड़ा ठंडा करने का समय। वह बर्फ जितना ठंडा और बहुत ही कड़ा। ओह मुझे आशा है कि मेरा चम्मच इसमें ना टूट जाए। ठीक है, आसान नहीं था लेकिन थोड़ा आ गया है, और पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना है फ्रेड? अच्छा है ना? अब सारा मत खा लेना। अंतिम दौर, इन तीनों ने सच में आज बहुत ही अलग तरह के व्यंजन खाए हैं। रेचल माफ करना, पर तुम्हारा हो गया। फ्रेड को गर्म, ये हैली को ठंडा। अच्छा हो सकता है, तो चलो देखते हैं। पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा। आखिरकार कुछ मिलने पर फ्रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो इसे बेहतर तरीके से चुनौती का अंत नहीं कर सकता था। बाग की रानी फ्रेड को नहीं भूली है। अब हैली, यार मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जमे हुए पिज्जा खाना पसंद नहीं करती हो। ठंडा पिज्जा अच्छा होता है, लेकिन जमा हुआ तब भी तुम्हें खाना होगा, इतना बुरा है। ओ, मेरे पास एक मजेदार आइडिया है, जब तक कोई नहीं देख रहा है। हेलो दोस्तों, क्या बढ़िया चुनौती है। क्या आप लोगों को भी मजा आया? तो शायद आप भी इसे। हेलो लड़के और लड़कियों, सब कैसा चल रहा है? दो के खिलाफ दो, हाँ बहुत अच्छा। पर कैसा रहेगा अगर हम आपको एक नया गेम खेलने की पेशकश करें, जहाँ के मुख्य पात्र आप लोग ही होंगे? बुरा नहीं है, है ना? नियम सरल है,
यदि आप एक गलती करते हैं तो जो गड़बड़ आपने कर दी है उसकी भरपाई करने के लिए आपको 100 परतें या 100 लेयर्स लगानी पड़ेंगी, समझ गए? तो चलो और अधिक समय बर्बाद मत करो, अपने जगहों पर जाओ दोस्तों, तैयार हो जाओ। और हम शुरू करते हैं। जैस क्या कर रही है? ध्यान से रेज। ओह, ऐसा लग रहा है कि तुमने जेसिका का नाखून तोड़ दिया है। इसका मतलब है सजा तुम्हें मिलेगी रेचल। हाँ, यह एक दुर्घटना थी, पर नियम तो नियम है। इसकी कीमत तुम्हें नाखूनों की 100 परत लगाकर चुकानी होगी। और विश्वास करो या नहीं रेचल, पर यह बहुत आसान है। और यहाँ आपके 100 नाखून, और जितनी जल्दी हो सके इन सबको चिपका लें और अपना काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट करें। खैर, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। पहला नाखून इसकी आदत नहीं है रेचल, इसे अच्छे और ध्यान से लगा रही है। बहुत बढ़िया, एक हो गया। बहुत अधिक है चिपकाने के लिए, बस रुकना नहीं है। ये एक लंबी और थकाने वाली रात होने वाली है, पर इसे तो करना ही है, बस कोशिश जारी रखें। जैसे जैसे परतें ढेर होती जा रही हैं, वैसे ही वह काम साफ सुथरी दिख रही है। पर बेशक यहाँ पर गुणवत्ता नहीं देखी जा रही, बल्कि मात्रा देखी जा रही है। केवल 20 नाखून लगे हैं और रेचल को विश्वास नहीं हो रहा है कि अपनी आँखों के सामने क्या हो रहा है। हमें डर है कि यहाँ से यह और भी बदतर होता जाएगा। और काम जारी है। आधे से भी कम काम हुए हैं और रेचल के हाथ वास्तव में भारी होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है। और अंत में अंतिम परिणाम, आखिरी 100वां नाखून। उन गणित प्रेमियों ने जिन्होंने पहले ही समझ लिया कि यह 100 नाखून है, लेकिन बाकियों को हम बता दें कि उसने प्रत्येक उंगली पर 20 नाखून लगाए हैं। ऐसा लग रहा है कि जेसिका को भी इस बात का एहसास नहीं कि उसने कितनी कठोर सजा दी है, पर रेचल ने यह कर दिखाया, उसकी तो सराहना करनी पड़ेगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि सुबह के नाश्ते को छोड़कर अब तुम पछता रही होगी, है ना जेस? पर अब इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अब बैठकर काम करो जब तक कि दोपहर के भोजन का समय नहीं हो जाता। फिलहाल की एक बेहतर दिन बिता रही है, यहाँ तक कि उसे समय भी मिल गया कि वह मैगडी जाकर अपने लिए चीज बर्गर भी लेकर आ गई है। उसकी एकमात्र गलती यह हो गई कि उसने अपने बगल में बैठे हुए जेस के पास अपने चीज बर्गर को अकेला छोड़ दिया। यह कितना अकेला और स्वादिष्ट लग रहा है, है ना? यह सच में स्वादिष्ट। मैं अब और नहीं रुक सकती, थोड़ा खा लेती हूँ। ओह, अब हमें पता चला है कि आगे क्या होने वाला है। बस उसे एक बार देखते ही रेचल को अपने नाखून चिपकाने की यात्रा की कहानी याद आ जाएगी। किसी भी तरह से अपनी सहेली को सजा देने का मौका नहीं चुकेगी। और अब उसे दिखने वाला है बिंगो। और इस तरह के अशिष्ट आचरण के अपराध के लिए जुर्माने के रूप में 100 चीज बर्गर खाने की चुनौती दी गई है। यह सब तुम्हारे लिए है मिस भूखी लड़की, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाते जाओ। बस ध्यान यह रहे कि इस टेबल पर एक टुकड़ा भी बचना नहीं चाहिए, खाए जाओ जब तक कि सब खत्म ना हो जाए। आइए देखें कि जैसे इस खाने की चुनौती को कैसे संभालती है। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस बड़े चीज बर्गर के लीनिंग टावर के बारे में कुछ रियायत मिलेगी? 10 और अब 15, 20, 80, 90, 100। ये सभी आकाश की तरह ऊंचे हो गए हैं और जेस का इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं इसे देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। लोगों की पूरी भीड़ के लिए यहाँ पर्याप्त भोजन है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसके साथ उन्हें फ्राइज की भी याद आ जाएगी। ओह, यह तो बहुत ही अच्छा है। शुक्र है कि जेसिका के इस स्वादिष्ट कार्य में उसकी मदद के लिए उसकी दोस्त भी है। अच्छा है कि ये एकदम दोपहर के भोजन के समय आ गया। शायद किसी को डॉक्टर को बुलाना पड़ जाए, और अगर कुछ नहीं तो एक जोड़ी बड़ी पैंट ही मदद करेगी, है ना जेस? नया दिन और गलतियों के लिए नया मौका। और ये दोनों फिर से इस पर है। रेचल, जेस इस बात से थोड़ी नाराज दिख रही है कि क्या तुमने उसके कपड़े लेने से पहले उसे पूछा था? हालांकि लड़कियां हमेशा अपने कपड़े शेयर करती हैं, है ना? शायद ऐसा होता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आज नहीं है। ठीक है, जब तुमने ऐसा कर ही दिया है तब तुम आगे बढ़ो और मेरी अलमारी के सारे कपड़े पहनो जल्दी से। अब मैं तुम्हें अपनी 100 चीजों में देखना चाहती हूँ।
अब तुम इससे नहीं बच सकती रेच, अब वे कपड़े तुम्हें पहन नहीं होंगे और हमारा मतलब उन सभी से है। आशा है कि कोई परेशानी नहीं होगी। पहली परत आसान है, लेकिन यह मत सोचना कि ऐसे ही रहेगा और बस एक के बाद एक पहनते रहो। शॉर्ट्स शुरुआत के लिए अच्छा है, पर अब मुसीबत शुरू हुई है। 26वें आइटम तक रेचल थोड़ी परेशान होने लगी है, बल्कि असहज होना कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैस के बाद की सभी को पहनना कैसे संभव हो पाएगा? लगता है हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। क्या रेचल अभी वहाँ पर है या हम सिर्फ कपड़ों के एक ढेर को देख रहे हैं? जैस, क्या तुम्हारे पास 100 आइटम या तुम है या जो या तुम्हें कम पड़ जाएंगे? लगता है कि जैस रेचल को छोड़ देगी। अंतिम कपड़ा और हमारा स्केयर कोर तैयार है। अरे नहीं, वह नीचे चली गई। केरा बहुत दिनों के बाद अपना पेडिक्योर कर रही है। एक बार जब वो अपने पैर की उंगलियों पर पॉलिश लगा लेगी, तब वो अपने मनपसंद फुटवेयर पहन सकती है। केरा, केवल तुम्हारे पास ही नए जूते नहीं है, इसे देखो। ओह, यह देखना काफी दर्दनाक है। स्नीकर्स की एक नई जोड़ी पर लाल नेल पॉलिश। मुझे लगता है केरा को अपनी दोस्त को एक जोड़ी नया जूता देना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं चलेगी। वह जूते काफी महंगे थे। शायद केरा अपनी गलती के लिए किसी और तरीके से भुगतान कर सकती है। तुम्हारा क्या कहना है रेच? तो फिर यह तय रहा, केरा को बहुत सारे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, बल्कि उसे कम से कम थोड़ी देर के लिए तो अपने पैरों को कष्ट देने की आवश्यकता होगी। इस चुनौती के लिए केरा कुछ पिघले हुए मोम और एक बाल्टी बर्फ के ठंडे पानी का उपयोग करेगी। पहले पैर को मोम में डुबाएं, फिर ठंडे पानी में, और इसे बार बार दोहराएं। अपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा, 100 बार, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि वह इस सजा का आनंद ले रही है, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पूरी रात स्नीकर को धोने से तो बेहतर है, और इस तरह से उसका थोड़ा व्यायाम होते जा रहा है। और हो गया, सब कार्य पूरा हो गया। आइए देखें कि तुमने एक जोड़े जूते के लिए क्या किया है। केरा इसे अपने लिए चप्पल भी बना सकती थी अगर वह चाहती तो। चैलेंज पूरा हुआ और इन दोनों दोस्तों के बीच सब ठीक है। ओ, केरा, क्या तुम कल रात फिर से आधी रात को स्नैक्स खा रही थी? नमकीन और मीठा, और फिर इसे देखने से कुछ। इसमें कोई शक नहीं है कि घर में कुछ भी नाश्ता बचा हुआ हो। केरा कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी आंखों के नीचे के बैग को या कल रात में किए गए अपने काम को नहीं छुपा सकती। माइक हमेशा एक कूटनीतिज्ञ की तरह काम करता है और उसे संकेत देता है कि केरा को अपने फूले हुए आंखों के लिए कुछ करना होगा, लेकिन माइक किसी भी तरह से नरम नहीं है और किसी को भी घर पर या घर से बाहर खाने से फाइन करने का मौका नहीं छोड़ता। यह तुम्हारे लिए है, 100% अच्छे परिणाम की गारंटी के लिए। जल्दी की कोई बात नहीं है, अपने आप को तैयार कर लो, मैं तुम पर नजर रखूंगा। केरा को उसके इच्छा शक्ति की कमी के लिए जवाब देना है। शायद यह छोटा सबक उसे भविष्य में उसकी गलतियों को दोहराने से बचाए रखेगा। पहला पैच लगाना तो बहुत आसान है, पूरी तरह से कल रात के नमक से हुए अतिरिक्त सूजन को ढकते हुए। पर जैसे जैसे परतें बढ़ती जाती हैं, दूसरी जोड़ी भी बिना किसी झंझट के लग रही है। मुझे लग रहा है कि माइक बहुत आनंद ले रहा है। केरा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रही है। हम उसे शायद एक उल्लू कह सकते हैं। हाँ, सच कहे तो एक बड़ा विशाल नींद का उल्लू। खराब नहीं दिख रही हो। और उसने कर लिया। माइक, आओ और उसके काम की जांच करो, और थोड़ा जल्दी करना, वरना इसके वजन से कहीं केरा की गर्दन ही ना टूट जाए। बहुत अच्छे से किया। तुम चाहती हो कि मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ चिप्स खरीद कर लाऊं पुरस्कार के लिए? और सूजन दूर हो गई तो सब बुरा नहीं गया। केरा की आंख बैग से मुक्त हो गई है, तो इससे सभी कुछ सीख सकते हैं। आधी रात में खाना छोड़ दें, पर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आंखों पर यह पैच लगाने के लिए तैयार रहें। बेशक यह 100 होंगे। तो खेल खत्म हो गया। सभी ने अपनी चुनौती का शानदार ढंग से पूरा किया। पर याद रखे, चाहे आप कितनी भी कोशिश अपनी गलतियों को ढकने के लिए कर ले, पर सच्चाई आखिरकार सामने आ जाएगी और आपको उसका 100 गुना भरपाई